नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश में। आज बात करेंगे अलीगढ़ की। दरअसल तहसील कोल क्षेत्र के गांव जतपुर में बिजली विभाग से लोग बेहद परेशान हैं, क्योंकि बिजली विभाग ने बिना किसी को नोटिस दिए ट्यूबवेल का कनेक्शन काट दिया, जिसके चलते खेतों में खड़ी फसल बर्बाद होने की कगार पर है। जहां के लोगों ने बताया कि पिछले 10 दिन से बिजली विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो फसल पूरी तरह से तैयार है वो बिना पानी के बर्बाद हो रही है, तो वहीं कुछ खेत पूरी तरह से सूख चुके हैं। स्थानीय किसान का कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारी हैं, वो पैसे की डिमांड करते हैं और आए दिन कनेक्शन को लेकर कोई ना कोई विवाद खड़ा करते रहते हैं। हमने पैसे नहीं दिए तो हमारा कनेक्शन काट दिया, जिसके चलते खेती जो है वो पूरी तरह से खराब हो रही है। हम मजबूर हैं, यहाँ बहुत लोगों की खेती सूख रही है। एक साल पहले हमने ये कनेक्शन लगवाया था, लगातार हर महीने हम बिल भर रहे हैं, कोई भी बिजली विभाग का बकाया हम पर नहीं है। उसके बावजूद भी बिजली विभाग ने बिना किसी नोटिस दिए, ना ही कोई कारण बताया, अचानक कनेक्शन काट कर चले गए। पिछले 10 दिन से हम लोग बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सुनवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे में उनकी जो खेतों में फसल थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, सूख चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत। कहाँ रहते हो आप? जसरतपुर में। क्या समस्या क्या है यहाँ? समस्या ये है सर, हमारे ये खेत सारे सूख रहे हैं, हमारे धान हुए हुए हैं 10-12 बीघा, वो भी लाल पर पीले सफ़ेद पड़ चुके हैं, और 100-150 बीघा खेत की भराई होती है। सारे किसान परेशान हैं, पानी नहीं जा पा रहा टाइम से। क्यों नहीं जा पा रहा पानी, कारण क्या है? बिजली विभाग वाले आए थे और जम्फल काट के चले गए, हमें सूचना नहीं हुई, हम घर पर सो रहे थे। क्या नाम है आपका? शेर सिंह। कहाँ रहते हो आप? जसरतपुर में। अच्छा, क्या मामला है आपका, क्या समस्या क्या है? समस्या जी है जी साहब, 50,000 रुपये मांगे थे। किस बात के लिए? कनेक्शन के लिए। कहा हम पे है नहीं, ये तो आपका कनेक्शन काट दिया है। कनेक्शन काट दिया है। क्या समस्या क्या आ रही है? समस्या खेती सूख रही है, क्या करें, मजबूर हैं। अच्छा, कितने लोगों के खेत यहाँ पे सूख रहे होंगे? यहाँ बहुत लोगों ने खेत सूख रहे हैं। ट्यूबवेल का कनेक्शन काट दिया आपके? हाँ। कारण क्या रहा है? कितने दिन पहले लगवाया था आपने कनेक्शन यहाँ? एक साल आ गई। एक साल से कोई दिक्कत नहीं आई? कोई नहीं दिक्कत आई। क्या बिल भरते हैं आप? नहीं भरते। बिल भर रहे हैं खूब। कुमार। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? जसरतपुर के, जिला अलीगढ़। क्या आपकी ये ट्यूबवेल है, वो हमारी, इसका कनेक्शन काट दिया है। कितने दिन पहले लगवाया था आपने कनेक्शन? ये एक साल हो गई इसे, जब से कोई बात नहीं थी, ये अभी आके बिजली बागवान वालों ने ये कनेक्शन काटा है। तो क्या समस्या क्या आ रही है कनेक्शन काटने से? पता ही नहीं पड़ रही। हम वहाँ पर जाते हैं बिजली विभाग, ये बोल देते हैं कि हाँ हो जाएगा, कि अगले सोमवार को हो जाएगा। तो अलीगढ़ की तस्वीरें हैं, आपको बता दें कि यहाँ पर बिजली विभाग से किसान बेहद परेशान हैं। दरअसल बिजली विभाग ने किसानों के कनेक्शन काट दिए हैं बिना नोटिस जारी किए, जिसकी वजह से किसान परेशान। उनका कहना है कि खेतों में पानी नहीं पहुँच पा रहा है, जिसकी वजह से जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, ज़मीन सूख चुकी है, ऐसे में उन्हें खासा नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जेई पर आरोप लगाया है कि जेई जो है वो पैसा मांग रहे हैं, 50,000 उन्हें दें और तब उसके बाद कनेक्शन वापस चालू होगा। किसानों का कहना है कि एक साल पहले ही उन्होंने कनेक्शन लगाया था, लेकिन उसके बावजूद भी कनेक्शन काट दिया गया और अब कोई सुनवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी कि अन्नदाता परेशान हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये तस्वीरें आपने देखी अलीगढ़ के तहसील कोल क्षेत्र की, जसदपुर, जहां पर किसान परेशान हैं। हालांकि उन्होंने शिकायत की है, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उनका कहना है कि ना तो हमें कोई नोटिस भेजा गया और ना ही हमें बताया गया, ट्यूबवेल का कनेक्शन पूरी तरह से काट दिया गया है, अब ऐसे में खेतों में पानी नहीं जाएगा तो खेती पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। मेरे सहयोगी आकाश कुमार मेरे साथ अलीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आकाश, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या कहना है किसानों का, क्योंकि बताया जा रहा है कि किसानों की जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। बिल्कुल काजल, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो है भाजपा की सरकार चल रही है, और वहीं भाजपा की सरकार का जो एक ही नारा है, सबका साथ और सबका विकास। लेकिन कहीं ना कहीं ये नारा जो है, कुछ अधिकारी जो है इस पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं कि किसान जो है कड़ी मेहनत करके जो अपनी फसल उगाता है और दिन और रात की जो उसकी मेहनत होती है, और जो बाजारों में जाकर के जो लोगों के जो अन्न है वो बाजारों में जाकर के लोगों तक पहुंचता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा यह जा रहा है कि जो किसान है दिन भर साल भर की जो उनकी मेहनत है उस पर कहीं ना कहीं बिजली विभाग जो है
पानी फेरने का काम कर रहा है कि जो एक बस पूर्व उन्होंने जो है बिजली का अपना कनेक्शन कराया था ट्यूबवेल का, क्योंकि उनके जो खेतों के लिए पानी की काफी समस्या रहती थी, उनका कहना साफ तौर से यही है कि इससे पूर्व जो है वो जनरेटर लगा करके किसी तरह यहाँ पर पानी की व्यवस्था यहाँ पर करते थे, दिन और रात यहाँ पर पानी लगाया जाता था जिससे कि खेती में खेती बढ़े और हरियाली हो और जो फसल है वो फसल जो है मंडियों में पहुंचे जिसके बाद लोगों तक पहुंचेगी। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताया है कि आज से करीब 10 दिन पूर्व जो है बिजली विभाग के जो आला अधिकारी हैं कर्मचारी वहाँ ट्यूबवेल पर पहुंचते हैं और बिना किसी कारण बताए ना कोई नोटिस दिया जाता है और सीधे तौर पर उनका कनेक्शन काटने के बाद वो जो है वापस आ जाते हैं। बिजली अधिकारियों का कहना है, क्या आपकी बात हो पाई है? क्योंकि ग्रामीणों का आरोप जेई पर भी है, उनका कहना है कि जेई 50,000 रुपए मांग रहे हैं कनेक्शन वापस लगाने के नाम पर। बिल्कुल काजल, जो स्थानीय लोग हैं जो वहाँ के जो किसान हैं जो पीड़ित, उनका सीधे तौर पर ये उन्होंने आरोप जो है बिजली विभाग के अधिकारियों पर लगाया है कि जो जेई हैं स्थानीय जो बिजली घर के वो सीधे तौर पर उनसे पैसे की डिमांड करते हैं, अगर बिना पैसे दिए उनका जो कनेक्शन है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पिछले 10 दिनों से बिजली विभाग के वो जो है चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, हालांकि बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनको उनसे फोन के माध्यम से उनसे वार्तालाप करनी चाहिए, तो उन्होंने जो है अपनी जिम्मेदारियों पीछे हटते हुए फोन काट दिया गया और किसी भी इस बात पर कोई भी स्पष्ट ना देते हुए उन्होंने सीधे तौर पर अपने आला अधिकारियों का हवाला दे दिया। बिल्कुल, इसके अलावा ये जो किसान हैं जिनके कनेक्शन काट दिए गए हैं, इनका ये आरोप है कि इन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, क्या कोई इनका बिजली बकाया था जिसकी वजह से ये बिजली विभाग ने एक्शन लिया है? बिल्कुल काजल, मैं आपको बता दूं कि सीधे तौर पर जो वहाँ के जो किसान हैं ट्यूबवेल का जो कनेक्शन है उन्होंने एक वर्ष पहले कनेक्शन लगवाया था, उनका कहना है कि लगातार जब से कनेक्शन लगाया तो हर महीने जो है वो बिल जमा कर रहे हैं, बिजली विभाग का कोई भी उन पर बकाया नहीं है, ये हर महीने बिल आ रहा है, हर महीने वो जो है बिल जमा कर रहे हैं। इसके बावजूद भी बिजली विभाग के आला अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के साथ साथ बिजली का कनेक्शन है वो काट दिया जाता है, जिसके कारण वहाँ जो सैकड़ों बीघा जो फसल है वो जो है कहीं ना कहीं खेतों में जो लहर आ रही थी वो सूखने की कगार पर है। किसी तरह फसल को बचाने के लिए वो जो है जनरेटर की व्यवस्था करके वहाँ पानी लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका जो समस्या है उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। उनका सीधे तौर पर पीड़ित किसान है विपिन, वो मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, क्या समस्या है, क्या कुछ कहना है आपका इस पूरे मामले को लेकर? यहाँ पे जो है मतलब पानी नहीं मिल पा रहा है, कनेक्शन काट दिया बिजली विभाग वालों ने, खेत में धान रखे हुए हैं। क्यों, वजह क्या है, क्या कोई बिजली बकाया था, बिल बकाया था जिसकी वजह से एक्शन लेना पड़ा बिजली विभाग को? नहीं मैम, बिल जमा है पूरा हमारा, इस महीने का भी आज आया है। कोई आश्वासन नहीं मिला, आपने शिकायत नहीं की इस पूरे मामले पर? शिकायत की थी मैम, मतलब जो कोई लाभ मतलब आगे कोई काम ही नहीं हुआ, जाते हैं वो आज के कह रहे थे मतलब जो कल जुड़ जाए कनेक्शन या परसों जुड़ जाएगा। और जेई साहब है वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर? जेई साहब को कुछ पता ही नहीं है ये लाइन क्यों किस भी इस पे काटी है या क्यों काटी है, वो तो ये बोल देते हैं कि मतलब जो ऊपर से ऑर्डर आया है हमारे लिए कोई नोटिस नहीं दिया ये। क्या ऐसी समस्या पहले भी हुई है? नहीं नहीं, पहली बार ऐसी समस्या हुई है। ये कनेक्शन आप लोगों ने कब लिया था? ये पिछले साल लिया था इसी महीने में। इसी महीने में लिया था, उसके बावजूद भी यहाँ पर एक्शन नहीं लिया गया शिकायत करने के बावजूद भी। और ये जो खेत है वो तो पूरी तरह से सूख चुके हैं, अब किस तरह से खेतों में पानी लगाया जा रहा है? चलो ठीक है, समस्या में बताने के लिए मेरे सहयोगी आकाश लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। आकाश, देखिए पीड़ित किसान हैं, उनका कहना है कि हमने तो शिकायत कर दी है लेकिन हमें तो आश्वासन भी नहीं मिल रहा है, बस ये कह दिया जाता है कि ऊपर से ऑर्डर आया था इसलिए हमने एक्शन लिया। लेकिन सवाल ये है कि जब बिल कुछ पेंडिंग नहीं है, कुछ बकाया बाकी नहीं है, तो फिर क्यों एक्शन लिया गया? बिल्कुल कायल, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये बिजली विभाग की जो है एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है कि जो स्थानीय जो किसान हैं उनसे जो वो जो पैसे की डिमांड करते थे, एक वर्ष पूर्व उनका कनेक्शन लगाया गया था और एक वर्ष से लगातार जो है बिल है वो भी वो भर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर अपने बिल की रिसीविंग दिखाई है कि हर महीने जो बिल आ रहा था उस बिल को लगातार वो भर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई बकाया यहाँ पर नहीं है, इसके बावजूद कनेक्शन काट दिया गया है। अगर और लगातार जो है बिजली विभाग के अधिकारियों के चक्कर वो लगा रहे हैं, बिजली घर जो अधिकारी हैं वो जो है अनसुना कर देते हैं कि जो पैसे की डिमांड उनसे की जाती है, अगर वो पैसे
उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो पैसे हमने नहीं दिए इसके चलते उन्होंने कनेक्शन काट दिया है, ना हमें कोई नोटिस दिया था, ना ही कोई कारण अब तक हमें बताया। हम जो है वहां पर पहुंचते हैं तो वो जो है आला अधिकारियों का हवाला दे देते हैं कि आप जो है उच्च अधिकारियों के पास जाइए, हमें किसी तरीके की। आपको रुक करूंगी, सुरेश है ग्राम प्रधान है कल्याणपुर से, वो मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेश जी, क्या समस्या है ग्रामीणों की, किसानों की? ग्रामीणों की ये समस्या है कि लाइट नहीं आ, लाइट है तार वैसे ही टूट जाते हैं, लाइट नहीं आ रही है और गांव में पहुंची नहीं पाती है। आपने आगे जो इस साहब से बातचीत की इस पूरे मामले पर, क्या कहना है उनका, क्या वजह है? कनेक्शन नहीं काटेंगे, लाइट आती है, ट्रांसफार्म खराब है, अगर हम केबल वाली लालन के चाहे केबल की होती है लाइन वो पड़ जानी चाहिए। कुछ लाने के बाद नहीं काटे, अपने आप ही हुआ है फॉल्ट ना, कनेक्शन हमारे जो ट्यूबवेल के कनेक्शन है जिसके किसान शिकायत कर रहे हैं। कल्याणपुर, कल्याणपुर जसतपुर की बात कर रही हूँ सर मैं। अच्छा, जसतपुर नहीं है तो कल्याणपुर के बारे में जानकारी है मुझे। क्या जसतपुर में ऐसा कोई मामला है आपके संज्ञान में? मेरे में नहीं है। चलिए ठीक है, होगा तो सही ही होगा। और सुनो, ये हमारे यहाँ केबल वाली लाइन कब पड़ेगी? सर इस पूरे मामले पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम जिलाधिकारी से और बताएंगे कि कब तक समस्या का हल हो पाएगा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, अपनी समस्या बताने के लिए। देखिए आकाश, समस्या सिर्फ यही नहीं है कि किसानों के जो ट्यूबवेल के कनेक्शन है वो काट दिए गए हैं, समस्या ये भी है कि दूसरे गाँव में बिजली के कनेक्शन नहीं है। अभी ग्राम प्रधान जो कल्याणपुर से जुड़े थे उन्होंने बताया, अब इसका जवाब हम नहीं दे सकते लेकिन हम सवाल जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल कायल, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो ग्राम प्रधान हैं सुरेश, उनके जो कल्याणपुर के ग्राम प्रधान हैं उनके अंडर में कई ये ऐसे गांव आते हैं, हालांकि उनको जो है अलग अलग गांव की जो समस्या है उसके समस्या तक उनके नहीं पहुंच पाई है, जिसके कारण उन्हें इस मामले से अवगत नहीं कराया गया होगा। हालांकि आपको बता दिए कि उनके एक ही गांव में जो समस्या नहीं है बिजली की, कई ऐसे गांव हैं जिनमें जो लाइन नहीं पड़ी हुई है, आए दिन तार टूटने की और ट्रांसफार्मर फूकने की जो समस्याएं रहती है, हालांकि बिजली विभाग के अधिकारियों को अवगत कराते रहते हैं समय समय पर, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं को मौके पर पहुंचकर स्थान इसके समस्या से अवगत कराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिजली विभाग की लापरवाही देखने को ये मिलती है कि जो कार्रवाई है वो अधूरी रह जाती है, जिसके चलते जो ग्रामीण है उन तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। और सीधे तौर पर बताया जाए तो जो गांव है उनमें लगातार जो बिजली आनी चाहिए वो बिजली में भी काफी कटौती देखने को मिल रही है। आपको इस समस्या के बारे में पता चला तो फिर क्या कुछ कहना था स्थानीय लोगों का? और हम एसडीएम साहब को भी फोन मिला रहे हैं। हेलो, क्या मेरी बात रविशंकर जी से हो रही है? जी बोलो सर, मैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बात कर रही हूँ। जी बोलो सर, अलीगढ़ में जो तहसील कोल क्षेत्र है जसतपुर का एक पूरा मामला है, किसान परेशान है, क्या आपके संज्ञान में पूरा मामला है? क्या मतलब? किसानों का कहना है कि उनके जो ट्यूबवेल के कनेक्शन है वो काट दिए गए हैं, जिसकी वजह से 10 दिन से खेतों में पानी नहीं जा पा रहा है, जो धान की फसल है पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। धान की इस समय कहाँ फसल होती है? किसानों का ये कहना है खेत पूरी तरह से, जो तस्वीरें हैं उसमें पूरी तरह से सूखे हुए हैं। मैडम इस समय गेहूं भी कट गया है, खेत तो खाली पड़ा हुआ है। सर जो किसानों की समस्या मुझे बताई है वही मैं आपको बता रही हूँ। मैम तो जरा लॉजिकली सोच लीजिए ना कि धान की फसल होती है वो कटती है नवंबर में जो है। सर ठीक है, चलिए लॉजिकली भी सोच लिया कि किसानों ने, ठीक है सर ठीक है, लॉजिकली सोच लिया कि किसानों ने जो भी कहा है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तो बयां कर रहे हैं कि आपके संज्ञान में है इस समस्या। आप पता नहीं क्या बता, देखिए जिस तरह से हम आपकी बातों का जवाब देने में असमर्थ है, क्योंकि मेरे सहयोगी है वो वहाँ पर मौजूद है, वो आपको समस्या बेहतर तरीके से बता सकते हैं। आकाश क्या समस्या है? बिल्कुल देखिए, एसडीएम साहब हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं जी, मैं आपको अवगत कराना चाहूँ कि जो गांव है जो जसरतपुर गांव है उस गांव के जो किसान है उनका सीधे तौर पर ये आरोप है बिजली विभाग पर कि किसी तरीके का उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया और उनके कनेक्शन काट दिए गए हैं, जिसके चलते उनकी फसलों पर पानी नहीं पहुँच पा रहा है किसी तरह। वो जनरेटर की रविशंकर एसडीएम साहब कह रहे हैं कि उन्हें आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज आ रही है आपको? उनको मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, मैं सुन रही हूँ। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास भेज दीजिए, अगर मैं जो है मैं जो भी संभव होगा मैं मदद करके उसका जो है निराकरण करा। चलिए ठीक है, बस यही सुनने की कोशिश कर रही थी कि मैं आप आश्वासन तो दें कम से कम।
आश्वासन नहीं, मैं दिन भर बैठ के जो है मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ। जी बिल्कुल, उम्मीद आपसे ही है सर। जनता के लिए हम लोग बैठे हैं, लेकिन जो बात वो कह रहे हैं धान की फसल, धान की फसल नवंबर में कट गई, ट्यूबवेल का बता रहे, ट्यूबवेल का कनेक्शन काटे जाने का, कनेक्शन काटे जाने का देखना पड़ेगा कि बिजली विभाग ने क्यों काटा, बिजली विभाग की तरफ से, बिजली विभाग की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो क्यों काटा, बहुत सारी बातें देखनी पड़ेंगी ना। और धान की फसल की बात कर रहे हैं, आज के समय में जो गेहूँ भी, धान तो दूर छोड़िए, गेहूँ भी कट गया, मौके पर खेत खाली पड़े हुए, ठीक है। आप कह रहे हैं, देखिए आप कह रहे हैं कि नवंबर में धान की फसल जो है वो कट जाती है ना, उसके बाद अब पानी होगा तभी तो दूसरी फसलें लगेंगी, बिना पानी की तो फसल नहीं लग सकती ना सर। बात तो नहीं, वो चीजें जो है आप बता रहे, वर्तमान में स्थिति ये है कि फसल नहीं लग पा रही है क्योंकि बंजर हो गई है धरती। नहीं ऐसा, अगर उनके है तो मेरे पास भेज दीजिए। चलिए ठीक है, तो बस इतना सा आश्वासन आपसे चाहिए कि अगर है तो भेज दीजिए, आप प्लीज इस पर संज्ञान लीजिएगा। रविशंकर एसडीएम साहब मेरे साथ जुड़े थे। एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि किसानों के हालात किस तरह से हो चुके हैं, यहाँ पर खेत पूरी तरह से बंजर हो चुके। तौर पर देखी जा रही है, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें फसल बोनी है, उसके लिए उन्हें पानी की जरूरत है, लेकिन 10 दिन से उनके खेतों में पानी नहीं आ पा रहा है क्योंकि बिजली के जो कनेक्शन है ट्यूबवेल के वो काट दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब वो आगे कोई भी फसल बो नहीं पा रहे हैं क्योंकि पानी नहीं है और पानी के बिना फसल का उगना बेहद मुश्किल है। मेरे सहयोगी आकाश लगातार मेरे साथ बने हुए। आकाश, ये जो मुझे समझाने की कोशिश की गई कि ये फसल जो है इस सीजन में होती है या नवंबर में होती है, अक्टूबर में होती है, सवाल मेरा सिर्फ इतना था कि अगर फसल लगाने की तैयारी कर रही है धान की फसल की, तो फिर उसके पास पानी भी तो किसान के होना चाहिए, अगर पानी नहीं होगा तो कोई भी फसल नहीं हो सकती। बिल्कुल कायल, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो भी उच्च अधिकारी हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं बचते नजर आते हैं। सीधे तौर पर जो तस्वीरें हैं वो जो है साफ बयां कर रही हैं कि पानी न मिलने के चलते धरती किस तरीके से सूख चुकी है, और जो पानी इसके चलते जो है किसानों को अपनी फसल जो है बोने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसी तरह जो दूसरी फसल है उसको पानी न मिलने के चलते वो सूखने की कगार पर खड़ी है, जिसके चलते जो स्थानीय किसान है वो जो है दिन और रात पूरी तरह से मेहनत करते हैं अपनी फसल उगाने के लिए, लेकिन पानी न मिलने के चलते उन्हें एक जो है बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर ये बताया है कि हम जो है जनरेटर की मदद से किसी तरह यहाँ पर पानी की व्यवस्था कर तो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो यहाँ की समस्या है वो समाधान नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं समस्या का समाधान जब तक नहीं हो पाएगा, कोई भी समस्या है तो आप जो किसान है वो उनके पास जा सकते हैं। आप ग्राउंड जीरो पर आकाश बने हुए हैं, आप किसानों से बात करिए, उन्हें बताइए कि हमारी बात हुई है, आश्वासन मिला है, वो जाएंगे और समस्या का समाधान जरूर निकल कर सामने आएगा। बिजली विभाग के अगर अभियंता हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनके संज्ञान में पूरा मामला है या नहीं है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हेलो, क्या मेरी बात बिजली विभाग के अगर अभियंता से हो रही है? जी सर, मैं न्यूज वन इंडिया से बात कर रही हूँ। समस्या है कि आपके संज्ञान में पूरा मामला है, समस्या है कि तहसील कोल क्षेत्र में जसतपुर गांव है जहां पर किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन काट दिए गए हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान है। जो मैडम उसका आदेश है, बड़े साहब का जो लेटर है, बड़े साहब से बात कर लीजिए, इसलिए काटा गया है। बगैर आदेश के नहीं काटा गया है। अच्छा, आदेश क्यों, किस चीज का? क्या बिजली का बिल बकाया था? बिजली का बिल नहीं है। हाँ, क्या समस्या है? कोई विवाद है इनका आपसी। तो बड़े साहब कौन है, क्या मेरी बात हो सकती है उनसे? फोन काट दिया गया है और सवालों से बचते हुए अवर अभियंता नजर आए हैं। देखिए आकाश, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिल की समस्या नहीं है, सिर्फ यहाँ पर समस्या ये है कि आदेश आया था और आदेश के बाद कनेक्शन काट दिए गए। बड़े साहब से बात कर लीजिए, बड़े साहब किससे बात कर लीजिए। उनका सीधे तौर पर बिजली विभाग के
जो कर्मचारी और जो अधिकारी हैं उन पर सीधा आरोप पैसे का है कि जो पैसे की वो हमसे डिमांड कर। फोन काट दिया जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं, शायद वो सवालों से बच रहे हैं। कुछ क्या कोई भ्रष्टाचार की बू आ सकती है आकाश से अगर देखा जाए तो, कि सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए कनेक्शन काटे जा रहे हैं, पैसा दें और उसके बाद फिर कनेक्शन जोड़ दिए जाए, क्या कुछ ऐसी तस्वीर हो सकती है? बिल्कुल कायल, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो किसान है वो देश का सबसे मेहनती और देश की जो है रीढ़ की हड्डी होती है, कि दिन रात मेहनत करके जो फसल को वो उगाते हैं, फसल उगाने के बाद जो है मंडी में पहुंचती है और लोगों तक वो अन्न जो है लोगों के पेट में पहुंचता है। जिलाधिकारी अलीगढ़ से इंद्र विक्रम सिंह, उनको भी हम फोन मिला रहे हैं, क्या मेरी बात जिलाधिकारी साहब से हो रही है? इंद्र विक्रम सिंह से मेरी बात हो रही है? शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। आकाश देखिए, हर किसी से हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसानों की बात है, किसान अन्नदाता है, समस्या है, खेती नहीं हो पा रही है, फसल नहीं उग पा रही है बिना पानी के। एक बार फिर से जिलाधिकारी साहब को फोन मिलाया जा रहा है। इंद्र विक्रम सिंह से मेरी बात हो रही है? क्या मेरी बात डीएम साहब से हो रही है? और फोन बार बार काट दिया जा रहा है, फोन उठाया तो जा रहा है लेकिन काट दिया जा रहा है। आकाश, डीएम साहब को भी हम फोन मिला रहे हैं लेकिन फोन उठाते हैं, फोन काट देते हैं। कि मैं आपको बता दूं कि हालांकि जो जो जिले के जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही जो है देखने को मिल तो रही है, लेकिन जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जहां तक होता है कि कहीं ना कहीं व्यस्तता के चलते जो अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे होते हैं, इसके चलते उनसे वार्तालाप नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो है जिले के अधीनस्थ अधिकारी और बिजली विभाग के अधिकारी हैं, उन पर कहीं ना कहीं लापरवाही और भ्रष्टाचार का ये आरोप देखने को मिल रहा है कि जिस व्यक्ति का कोई भी बकाया बिल नहीं है, किसी तरीके की कोई खामियां नहीं है, उसके बावजूद भी एक साल तक वो उसका कनेक्शन लगातार जारी रहा, जिसके बावजूद जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनसे जो है आए दिन पैसे ही डिमांड करते हैं, पैसा नहीं देने के चलते उनका कनेक्शन जो है काट दिया गया है। ये आरोप सीधे सीधे स्थानीय जो किसान है उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों पर लगाया है। हालांकि उनका कहना यही है कि एक साल से अब तक कोई दिक्कत इसमें नहीं आई, जिसके चलते वो जो है जो भी बिल आ रहा था बिजली विभाग का, वो जो है समय से उस बिल को भर रहे थे, लेकिन अब किसी कारणों के चलते जो है बिजली विभाग के अधिकारियों ने इस कनेक्शन को काट दिया गया है, जिसके चलते किसान की जो फसल लहलहा रही थी खेतों में वो जो है सूखने को कगार पर खड़ी है। जी काजल, बिल्कुल आकाश, जब आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, आप किसानों का क्या कहना है, आगे वो क्या इस पूरे मामले पर एक्शन लेंगे, क्योंकि शिकायत तो कर चुके हैं, शिकायत के बाद तो कुछ भी काम नहीं हो पाया है। बिल्कुल कायल, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो जसरपुत्र स्थित जो किसान हैं, जिनकी फसलों की जो समस्या है पानी की समस्या को लेकर के, वो जो है आए दिन बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, बिजली घर भी पहुंच रहे हैं, जो अवर अभियंता हैं चाहे वो जेई हो या एसडीओ, सभी से उनकी मुलाकात लगातार हो रही है, लेकिन कोई भी जो है संतोषजनक उनको जवाब नहीं दे रहा है, ना ही किसी तरीके का आश्वासन उन्हें दिया जा रहा है, जिसके चलते वो जो है काफी परेशान नजर आ रहे हैं कि 10 दिन से लगातार अब तक उनकी जो खेत हैं उन पे पानी नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं कहीं जो है जनरेटर की व्यवस्था करके वो जो पानी के इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो समस्या है उससे पूर्ण निजात उनको नहीं मिल पा रही है। तो इसमें जो है सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बिजली विभाग के अफसरों की लापरवाही देखने को मिल रही है, कि उनका सीधे तौर पर कहना यही है कि इनका कोई भी बिल बकाया नहीं था, इसके बावजूद उन्होंने जो है वरिष्ठ अधिकारियों का, जो उच्च अधिकारी हैं उनका हवाला देते हुए इनका कनेक्शन काट दिया गया है, इनको जो है अब तक इसका ना नोटिस दिया गया ना कोई कारण इनको बताया जा रहा है। हालांकि उनसे वार्तालाप अगर करना चाहते हैं तो वो जो है अपने उच्च अधिकारियों का हवाला दे करके जिम्मेदारियों से लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो पूरा मामला ये अलीगढ़ का है, जहां पर किसान परेशान है, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि बिना किसी वजह के ट्यूबवेल के कनेक्शन काट दिए गए हैं, जिसकी वजह से उनके खेतों में पानी नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से फसल भी नहीं उग पा रही है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं किसानों का कहना है कि इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार है, क्योंकि जेई साहब जो है वो उनसे पैसे मांग रहे हैं दोबारा कनेक्शन लगवाने के नाम पर। अब क्या सच है क्या झूठ, ये तो जांच का विषय है, लेकिन सवाल ये है कि जब पूरी तरह से रोक है भ्रष्टाचार पर, जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके बावजूद भी कुछ अधिकारी इन सब चीज़ों से बाज क्यों नहीं आते हैं। फिलहाल फिर इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।